यहाँ पे पूरा बहुजन समाज ओबीसी के जो संविधान को मानने वाले लोग हैं सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। और जो दिल्ली में 9 अगस्त को जंतर मंतर में दिल्ली में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो भीम से भीम आजाद सेना चला रहे हैं और भी कुछ लोग हैं जैसे दीपक गौड़ हो गए और अभिषेक मिश्रा और कामिनी झा इनके साथियों द्वारा संविधान को जलाया गया है और इसका मैसेज बताए इस संविधान में जो भारत देश है ये संविधान से ही चल रहा है और ऐसे लोग सामाजिक तत्वों के द्वारा जो संविधान को जलाया गया और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं इनके दिल में ठेस पहुँची है, इससे बहुत आहत हुई है लोगों को। तो हमारा हम लोग आज राष्ट्रपति महामहिम के नाम से ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कलेक्टर से कलेक्टर को कि इसे इन्हें विरोध अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो। अगर ऐसा नहीं की इस सरकार ने शासन प्रशासन ने अगर ऐसा नहीं की तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अगर पूरा भारत ऐसा होगा कि जो 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ है तो हम लोग इस पे भी उतरेंगे। अगर हमारे बातों को हमारे इन अपराधियों को अगर इनके अपराधियों को सजा नहीं हुई तो हम अपने बातों पर अटल रहेंगे और फिर से भारत बंद का ऐलान होगा और इसका पूरे भारत में जो समर्थन होगा। एडवोकेट अमित कर्नल।